नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएम अपन न्यूज। इस समय खड़े हैं हम बस स्टैंड हिसार के जीएम ऑफिस के आगे, और मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको बस की समस्या को लेकर के यहाँ पे लगातार धरना दिए हुए हैं और अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ ऑफिस में आए थे। इनसे बातचीत कर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या समस्या, अगर इंक्वायरी पहले तो परिचय करा दे बच्चों। तो पहले बताइए ये समस्या क्या आ रही है और किसको लेकर के आप मांग को लेकर के यहाँ पे आज पहुँचे? काफ़ी समय से बसों की काफ़ी दिक्कत है। कोरोना काल के बाद इन्होंने सारी बसें बंद कर दी है। नाम मात्र की 3-4 बसें चल रही है, 5-7 दिन चला देते हैं फिर बंद कर देते हैं। कई बार हमने सेम विंडो में भी एप्लीकेशन लगाई, 12-13 एप्लीकेशन सेम विंडो में लगाई, लेकिन गलत एटीआर भर के ये सेम विंडो को बंद कर देते हैं। अच्छा। शिकायतकर्ता पे जो सेम विंडो में शिकायत करता है उस पर प्रेशर दिया जाता है कि आप संतुष्ट हो, बसें चला दी है, साइन करवा लेते हैं फिर बसें बंद कर देते हैं। सीएम साहब कहते हैं हमारे पास बसें नहीं है, अन्य अधिकारी कहते हैं हमारे पास ड्राइवर कनेक्टर नहीं है, फिर तुम्हारे पास क्या है, इसको बंद कर दो, ताला लगा दो इसको। सरपंच भी कम से कम 10 बार आ चुका है गाँव के अनेक छात्र छात्राएं, कई मतलब स्कूल से गांव की बात कनो किरमारा, कनो किरमारा, खैरी, कंडूल। और आप लोग कौन कौन से गांव से आए? किरतान से। किरतान, लुदास और शाहपुर। ये जो बच्चे, ये संदीप कुमार हैं, ये कई गांव का नाम लिया, और ये बच्चे जो आ रहे हैं किरतान, लुदास और शाहपुर, जो बसों की समस्या को लेकर के लगातार जो है यहां पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई प्रशासन द्वारा इनकी नहीं की जाती है। कोई बस का कोई प्रबंध नहीं है सर, यहाँ पे ना बसों की कोई स्थिति है सर। आपका कॉलेज कितना बजे लगता है? सुबह सर 9 बजे। और बस कितना बजे आती है? 10 बजे पहुँचती है सर यहाँ पे। इनका ये भी कहना है बच्चों का कि बस आती है 10 बजे हिसार और कॉलेज लगता है 9 बजे, जिस वजह से इनको 1 घंटा देरी से पहुंचने के बाद में क्लासें भी इनकी जो है प्रभावित होती हैं बच्चों की। तो क्या बसों का जो रूट है वो और बसें चाह रहे हैं आप? हाँ सर, बसें और चाह रहे हैं सर हम, कि हमारी बसें चले ठीक है सर। और लड़कियों के तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर, ना तो उनमें कोई स्थिति होती है, ना मतलब कि लटकने के लिए भी जगह नहीं होती सर। एक पाओ पाओ ये बोल कि रखा जाए वो भी नहीं होती सर। कितने स्टूडेंट आते हैं इन गाँव से सर? इनसे मतलब कि 100-100 कर लो सर, आराम से आते हैं सर। एक गाँव से? हाँ सर, एक बस स्टैंड से, किसान के बस स्टैंड से सर 30 स्टूडेंट एक बस स्टैंड से चलते सर, और 3 बस स्टैंड सर किसान गाँव में। तो 100 बच्चे एक गाँव से चढ़ते हैं, बस एक आती है? हाँ सर। और शाहपुर से कौन है? हाँ भाई, शाहपुर से कितने बच्चे आते हैं? शाहपुर से। और लुदास से? 70-80 वाला गाँव जी। प्रत्येक गांव से 60-70-80 बच्चे आते हैं, और जो कि ना काफ़ी है बस के अंदर, बस में जगह नहीं मिलती, और सभी बच्चों के पास बने हुए सभी के पास इन बच्चों के पास बने हुए हैं, लेकिन बस का चक्कर बढ़ाने के लिए ये बच्चे यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इनकी सुनी जाएगी जीएम ऑफिस के आगे? ये बार बार जीएम से भी मिले आप लोग? हाँ सर। क्या कहा जीएम साहब? सर जीएम सर ने ये कहा कि लग जाएगी कोई बात नहीं, एप्लीकेशन ये दे रहे हैं सर हम 6 महीने से, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। बोलते हाँ लग जाएगी बेटा, जाओ कॉलेज में पढ़ो, यू करो, तो क्या करे सर, टाइम भी नहीं पूछ रहे क्लासों में सर, हमारी टाइम से क्लासेज जो मिस हो रही है सर, ऊपर से एग्जाम का भी टाइम है सर, और दफ्तर से भी बाहर निकाल देते हैं सर, बोलते हैं कि दो बंदे ही रहेंगे अंदर जो बात करेंगे, बात नहीं करने दे। नो सर, कोई मतलब कोई हाँ भाई प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? तो आपने धरना कितने दिन से? धरना आज से किया जी, पहले हमने 4 तारीख से किया था, डीसी मैम से मिले थे, तब इन्होंने झूठा आश्वासन दे के 10 दिन बसें चला दी, फिर दोबारा फिर बंद कर दिया। अब हम आए से कालीन आज से धरना यहीं देंगे इतना समय के, जब तक ये मतलब यहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये बचे। तो लोग धरना देने पर भी मजबूर हैं, लगातार यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना भी आज से कुछ लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या इनकी बात सुनी जाएगी, और जो बच्चों को बसों की वजह से समस्या आ रही है, क्या उस समस्या का समाधान प्रशासन द्वारा निकाला जाए? इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।